आज मैं बनाऊंगी मिर्ची के पकौड़े। ये एक स्ट्रीट फूड है और इतना ज्यादा पॉपुलर है कि हर ढाबे, हर रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि सड़क के किनारे के जो छोटे मोटे स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर भी खूब मिलता है और खूब बिकता है। इसके फैंस की तरह इसके नाम भी बहुत सारे हैं, मिर्ची भजिया, मिर्ची वड़ा, मिर्ची भज्जी या बज्जी। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहना हो तो लोग इसको स्टफ चिली फ्रिटर्स भी बोल देते हैं, और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होना हो तो एलापिनो फ्रिटर्स बोलते हैं। जी हाँ, ये जो बड़ी साइज़ की हरी वाली मिर्चें होती हैं ये मैक्सिकन ओरिजिन की हैं और इनका असली नाम एलापिनो ही है। ये हमारे देसी मिर्चे की तरह तीखी नहीं होती हैं, इसलिए हम इनके पकौड़े बनाकर खा लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो इसके बीज में चीरा लगा करके इसके अंदर के सारे बीज निकाल लीजिए, और सारे मिर्चों के बीज निकाल कर खोखला कर लेने के बाद इसको अभी एक तरफ रख दीजिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले तो एक कढ़ाई आँच पर रखकर हम इसमें साबुत धनिया और साबुत सौंफ को हल्का सा भून लेंगे। इसे हमें सिर्फ खुशबू आने तक भूनना है, ध्यान रहे जलने ना पाए, इसीलिए ड्राई मसाला भूनते समय हम हमेशा हाथों का प्रयोग करते हैं। ये मैं अपने पिछले वीडियो में कई बार आपको बता भी चुकी हूँ, इससे ड्राई मसालों की भुनाई का बहुत सही अंदाज हो जाता है। इस भुने मसाले को एक पत्थर के मोटर में खाली कर लीजिए, क्योंकि इसको हमें मोटा मोटा दरदरा ही कूटना है। और अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालिए। तेल गर्म हो जाने पर सबसे पहले इसमें जीरा चटका लीजिए, फिर हम इसमें कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। हरी मिर्च तेल में डालने पर थोड़ा तीखापन जरूर उड़ेगा, लेकिन अदरक और हरी मिर्च जब तेल में भून जाती है तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालकर इसको भी भून लेंगे। प्याज को हमें अच्छा से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। प्याज जब फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसमें ये 7-8 आलू पहले से उबाल कर रखे हुए थे वो डाल करके मैश करेंगे। आपके पास जितनी मिर्ची हैं गिनती में उतने ही आलू लीजिए, तो इस मेजरमेंट से मिर्ची की स्टफिंग बिल्कुल सही सही तैयार हो जाती है। आप आलू पहले से भी मैश करके रख सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में डायरेक्ट मैश कर देने से थोड़ा टाइम बचता है। आलूओं को थोड़ा रफली मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, काला नमक। पकौड़ा है तो हींग तो डालनी ही डालनी है। और ये रहा हमारा होममेड गरम मसाला, खटाई पाउडर यानी कि अमचूर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़े चिल्ली फ्लेक्स, और ये जो सौंफ और धनिया हमने दरदरा कूट कर रखा हुआ है इसको अब डाल दीजिए। सबको अच्छी तरह मिला लीजिए, और अब डालते हैं बेहतरीन खुशबू के लिए कटा हुआ हरा ताज़ा धनिया, इसको भी मिक्स कर लीजिए। और अब हमने ये जो एलापिनो के सारे बीज निकाले थे इसको भी इसी में मिलाकर अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। इसको हम प्याज लहसुन के साथ भी डाल सकते थे, लेकिन ये बहुत हल्के होते हैं और जल जाते हैं, और फिर एक जला हुआ सा कड़वा फ्लेवर आने लगता है, इसलिए इसको बाद में हरी धनिया के साथ डाल करके और अब भून लेंगे ताकि फ्रेशनेस का फ्लेवर बना रहे। सॉरी मेरा गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी मिर्ची भज्जी खा के सब ठीक हो जाएगा। आप ये वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा देखिएगा। पूरे फ्लेवर्स चाहिए तो पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। और मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। तो चलिए, भजिया की स्टफिंग तो तैयार हो गई। आप चाहें तो यहाँ पर आलू के साथ पनीर भी मिला सकते हैं, या इसी तरह से सिर्फ पनीर की स्टफिंग भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जैसे समोसा हो या भजिया हो, एक ट्रेडिशनल जो आलू का टेस्ट आता है वो और किसी चीज़ में नहीं आता। जितनी मिर्चें हैं उतने ही पार्ट्स में आप स्टफिंग को पहले से ही डिवाइड कर लीजिए तो भरने में आसानी रहती है। अब इस भजिया को फ्राई करने के लिए हम एक सिंपल सा बेसन का घोल तैयार कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिलाएंगे। किसी भी पकौड़े के घोल के लिए आप जितना बेसन लेते हैं उसका 1/4 चावल का आटा लीजिए, ये रेशियो बिल्कुल सही रहता है। अब इसमें सब कुछ वही डालिए जो हमेशा डाला जाता है, यानी कि नमक, हल्दी, हींग न डालने का तो सवाल ही नहीं है, लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिए, और हाथ से क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कटी हुई हरी धनिया, और इन सब को पानी के साथ मिक्स करते हुए एक घोल बना लीजिए। मैंने करी पत्ता भी धोकर रखा हुआ है, जो वीडियो बनाते टाइम में डालना भूल गई हूँ, बाद में डालूंगी, आप अभी से डाल लीजिए। और पकौड़ों की एक आइडियल कंसिस्टेंसी वाला जैसा घोल होता है वैसा घोल तैयार कर लीजिए। सब कुछ मिक्स हो जाने के बाद से इसको हल्का सा फेंट भी लीजिए ताकि ये घोल थोड़ा एरेटेड हो जाए और पकौड़ों पर चिपके, वरना ये मिर्चें इतनी चिकनी होती हैं इन पर बैटर को टिकाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। वो मैं भी आपको बताऊंगी कि मैंने बैटर को इस पर कैसे फिक्स किया है। अब आप इन सारे मिर्चों में स्टफिंग भर डालिए, और एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम करिए, और इन सारे स्टफ किए हुए मिर्चों को एक एक करके बैटर में डुबाइए, और गरम गरम तेल में जैसे सारे पकौड़े फ्राई किए जाते हैं वैसे इनको भी फ्राई कर लीजिए।
कढ़ाई में एक बार में उतने ही पकौड़े डालिए जितना आपको फ्लिप करने में आसानी हो, क्योंकि ये मिर्चे इतने चिकने हैं ना, अगर एक दूसरे से रगड़ खाएंगे तो इनका बैटर छूटने लगेगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको फिक्स करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो तो बेसन के बैटर में मैदा मिलाते हैं, मैदे की वजह से बैटर में अच्छी खासी बाइंडिंग हो जाती है और फिर वो मिर्चों पर से छूटता नहीं है। लेकिन हम मैदे वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप करेंगे और इन सारे पकौड़ों को हल्का हल्का फ्राई किया हुआ एक बार निकाल लेंगे और दोबारा से फिर इसी बैटर में डाल देंगे। अब इस पर एक बार ये जो फ्राइड बेसन की कोटिंग हो चुकी है ये बैटर को पकड़ लेगी और फिर पकौड़े तलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्लेम को मीडियम ही रखिए और सारे पकौड़ों को इसी तरह से बैटर में दोबारा दोबारा डिप करके फिर से फ्राई कर लीजिए। इधर एक तरफ हमारी मसाला टी भी तैयार हो गई और हमारे अलापिनो फ्रिटर्स यानी कि मिर्ची भजिया भी तैयार है। ये चाय के साथ तो अच्छे लगते ही हैं, आप इसको लंच या डिनर के साथ भी साइड डिश की तरह से खा सकते हैं, हमेशा ही मज़ेदार लगता है। मेरा काम पूरा हो गया, अब आपकी बारी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। एक अच्छी सी रेसिपी लेके जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगी, तब तक एंजॉय योर एलापिनो फ्रिटर्स। बाय बाय एंड टेक केयर।